वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रे अभी गए हैं, अब करवा चौथ आने वाली है, फिर दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना हम अपने स्किन के लिए एक रूटीन लाएं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अपने किचन में से ही अपने लिए ग्लो ढूंढना है। वो कैसे करेंगे हम? गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, उसी से आज हम बनाएंगे पैक, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी वो क्वालिटीज होती हैं जो हमारे स्किन को बूस्ट अप करेगा। कैसे? क्योंकि उसमें होता है नेचुरल कोलेजन जो हमारी स्किन को बूस्ट करेगा, हमारी स्किन पर निखार लेकर आएगा, ठीक है। तो आज हम वो पैक बनाएंगे। मॉर्निंग में सिर्फ आप ये 5 मिनट के लिए कर लेंगे ना, अगर रोज करते हैं तो आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नेचुरल ग्लो आएगा आपके फेस पे, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस दिखाने से पहले प्लीज, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हमें पैक कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और उसको कैसे हटाना है। गाइस, पैक बनाने के लिए हमको चाहिए क्लीन बाउल, ठीक है, हमें क्लीन बाउल ले लिया। आज हमें अपनी किचन में से ही ग्लू लेकर आना है। अगर आप ये वाला पैक मॉर्निंग में रोज कर लेंगे तो आपको ऐसा नेचुरल ग्लो आएगा कि आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है गेहूं का आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, ठीक है, वो हमें लेना है 1 स्पून। ये हमें क्यों लेना है? क्योंकि इसमें फॉलिक्स होते हैं, नेचुरल कोलेजन होता है जो हमारी स्किन को बूस्ट अप करेगा, इसमें स्क्रबिंग क्वालिटीज होती है, ठीक है। ये मैंने 1 स्पून इसमें डाला है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है नेक्स्ट? अब हमें लेना है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर हम लेंगे 1/2 स्पून। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, ये हमारे स्किन को बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, डार्क स्पॉट वगैरह सब दूर करता है। अब हमें लेना है 1/2 स्पून इसमें राइस फ्लावर, चावल का आटा। हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया। अब मुझे क्या लेना है नेक्स्ट? 4th इंग्रेडिएंट हमें लेना है टमाटो। ये मैंने 1/2 टमाटो काट के रख रखा है, इसका ऐसे ही जूस थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। और इसको रख लेना है, इसको अभी हटाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे हनी, 1 स्पून हमने इसमें हनी डाला। और मिक्स करने के लिए हमें क्या लेना है अपनी किचन में से? रॉ मिल्क। रॉ मिल्क नहीं है आपके पास तो आप फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा पैक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। पैक जो है बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा फाइन पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर हम रख देंगे, एक्टिव हो जाएगा। जब ये आपका एक्टिव हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, आपका फेस जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मेरा फेस जो है बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक और काजल लगा हुआ है। अब हम ये पैक जो है अप्लाई करेंगे।
ये हमने पैक लगा लिया है, आप अपना पूरा नेक वगैरह कवर कर लीजिएगा, हाथों पे पैरों पे भी आप लगा सकते हैं इसको। और अगर आपका इनकेस ये बच भी जाता है पैक, तो आप इसको फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको 15 मिनट्स बाद मिलूंगी, फिर बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो गाइस 15 मिनट्स मेरे को हो चुके हैं, मेरा पैक जो है 80% सूख चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो टमाटो मैंने लिया था पैक में डाला था हाफ टमाटो, अब हमें उससे हल्का सा अपने पैक को हटाना है, ठीक है। ये देखिए, इसी से आपको ग्लो पता चल जाएगा। जहां जहां आपके फेस पर ब्लैकनेस होगी ना, वहां से पैक को हटाते रहते आप ऐसे रख लेंगे। अब मैं आपको अपना फेस धो के दिखाती हूँ किसका ग्लो कैसे है। तो गाइस देखिए, पैक मेरा हटा लिया है मैंने, धो लिया है, अब आप फेस देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा आपका, ठीक है। अगर आप इस पैक को रोज, जैसे हमने फर्स्ट टाइम 15 मिनट्स लगाया है, अगर आप इस पैक को रोज लगाते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए पैक लगाना होगा। और जो हमने टमाटर से हटाया था मसाज करते हुए, वो आपको जरूरी नहीं है कि वो आप करो, ठीक है। सिर्फ पैक लगाना है और नहाते समय हटाना है, एज अ फेस वॉश की तरह आपको यूज करना है, ठीक है। और इसका ग्लो देखिएगा, करवा चौथ तक इतना अच्छा ग्लो आएगा कि आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नेचुरल लगेगी आपकी स्किन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फेस धोने के बाद अब हम लगा रहे हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेना है, हल्का सा हमें इसको ऐसे करके मसाज करनी है। पिंचिंग, ये देखिए, ठीक है। ये हम अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद आप रोज वाटर भी लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। गाइस अब आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपने अगर ये पैक ट्राई किया है तो आपकी स्किन पे इसका इफेक्ट जो है वो कैसा आता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज जरूर बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।